नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी चौहान के साथ इंडिया समाचार। गांव की होने वाली जनता की मजबूरी का फायदा उठाकर जिस प्रकार से ठगा जाता है वह अपने आप में काफी शर्मनाक है। जबकि सरकार देश में गरीबी उन्मूलन के लिए ग्राम सभा को हर वर्ष करोड़ों रुपए देती है, फिर भी विकास के नाम पर गांव के बिचौलिए गरीब जनता को ठगने से नहीं चूकते हैं। क्या है पूरा मामला, जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने अयोध्या संवाददाता सत्येंद्र गौतम की रिपोर्ट पर। ताजा मामला आया है अयोध्या के सरेथी ग्राम का है, जहां पर प्रधान ने अपात्रों से 20,000 रुपए लेकर उनको कॉलोनी से नवाजा है। जबकि जो पात्र है कॉलोनी के, उनके सर पर आज भी छत नहीं है। वह टूटी फूटी मड़िया में ही अपना किसी तरह गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। जिस प्रकार से अयोध्या के ग्राम सरेथी के प्रधान ने 20,000 रुपए लेकर अपात्रों को कॉलोनी देने की बात आ रही है, वह अपने आप में एक बड़ा घोटाला दिख रहा है। हमारे संवाददाता के मुताबिक यहां पर प्रधान गांव में आपात लोगों को 20,000 रुपए लेकर कॉलोनी दे रहा है, जबकि पात्र लोगों को यहां पर कॉलोनी नहीं मिल पा रही है। पात्र लोगों को कॉलोनी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि वह 20,000 रुपए जमा करने में सक्षम नहीं है प्रधान के पास, क्योंकि गरीब आदमी के पास 20,000 रुपए इतनी आसानी से नहीं आते हैं। उसके लिए उसको कई महीनों तक हार्ड वर्क मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि प्रदेश सरकार गरीबी नहीं गरीबों को हटाने का काम कर रही है। जहां पर गांव के ही एक पीड़ित का कहना है कि मैंने इसकी शिकायत डीएम के यहां, एसडीएम के यहां, प्रधान जी से बस वीडियो साहब से कर दी है, लेकिन अभी तक मामले का निस्तारण नहीं हुआ है। आईजी आरएस करने पर प्रशासनिक अधिकारी मनमानी रिपोर्ट लगाकर आख्या को बंद कर देते हैं। और जहां पर देखा जाए तो जिस प्रकार से सरकार गांव में विकास की रेखा खींचना चाह रही है, ऐसे में ग्राम प्रधान उससे बड़े पैमाने पर बाधा बनते हैं। ऐसे प्रधान सरकार के अरमानों का गला घोट देते हैं। ऐसे में सरकार कितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं चला दे गरीबी उन्मूलन के लिए, लेकिन जब गांव का मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो गांव का विकास कैसे हो सकता है, इस बात को समझा जा सकता है। अब यहां देखना दिलचस्प होगा कि पीड़ित ने जिस प्रकार से न्याय के लिए सभी अफसरों के दफ्तरों में गुहार लगाई है, अफसर कितनी जल्दी पीड़िता को न्याय दिलाते हैं जिससे गांव में सुशासन कायम हो सके। बस हमारी खबरें यहीं तक हैं, आप बने रहिए इंडिया समाचार में। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम झुनकू राम सनाफ राजा राम, ग्राम सभा सेठी, ब्लॉक पूरा सदर तहसील, जिला अयोध्या, आज इंडियन मानवाधिकार जिला। क्या मामला था या क्या शिकायत लेकर आप आज यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं? हाँ श्रीमान जी, ये हमारे ग्राम सभा की ये जो एक गरीब महिला है, जो ग्राम सभा की अति गरीब महिला है। क्या नाम है उसका? उसका निर्मला वाई सुंदरलाल, निवासी सरेठी की रहने वाली है। वो उसको जो है कि ग्राम सभा प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा उसको आवास नहीं दिया गया, जबकि इसके मामले में कई प्रार्थना पत्र उस महिला द्वारा दिलाया गया, समय मिला गया, डीएम साहब के यहाँ भी, पीडी साहब के यहाँ भी, मुख्यमंत्री के यहाँ भी, और अनुसूचित जनजाति आयोग कमीशन में भी, बीडीओ साहब को भी, रजिस्ट्री भी द्वारा, हर भी द्वारा, हर मामले से जो है कि अवगत कम से कम करीब 11-12 प्रार्थना पत्र भी दिया गया, जिनकी सुनवाई नहीं की गई। और अपने मनमानी के द्वारा जो है कि ग्राम सभा सेक्रेटरी के दबाव में सेक्रेटरी साहब और बीडीओ साहब ने ही मिलकर के मिली भगत करके आवास प्रधानमंत्री आवास प्लस में योजना के अंतर्गत जो आते हैं रेफरी करके जो है कि अपने अपात्रों को आवास दे दिया गया, लेकिन गरीब महिला को और लोगों को भी आवास नहीं दिया गया। इसी की मांग को उठा करके मैं कमिश्नर साहब के पास गया। कमिश्नर साहब ने तुरंत कहा कि आप जिलाधिकारी के पास बताइए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो है कि ठीक है, उस महिला को आवाज़ दिया गया, सारे साथ उसको दिखाएंगे। डीएम साहब को दिखाया गया, उन्होंने आश्वासन दिया ठीक है, उस महिला को आवाज़ दिया जाएगा।